कूली नंबर वन के रीमेक में वरुण धवन के साथ गोविंदा नहीं आएंगे नजर। गोविंदा के फिल्म में एक कैमियो को लेकर काफी समय से स्पेक्यूलेशंस चल रही थी, लेकिन अब फिल्म के राइटर फरहाद सामजी ने कंफर्म कर दिया है कि फिलहाल गोविंदा की फिल्म में कास्टिंग को लेकर कोई प्लानिंग नहीं चल रही है। आपको याद ही होगा, इससे पहले जब डेविड धवन ने जुड़वा के रीमेक पर काम किया था तो उस वक्त सलमान खान को फिल्म के एंड में स्पेशली शामिल किया गया था और ये फिल्म की सबसे इम्पोर्टेंट हाईलाइट में से एक थी। ऐसे में एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि गोविंदा को डेविड धवन जरूर इस फिल्म में एक छोटे कैमियो के लिए जरूर शामिल करेंगे। हाल ही में हुए फिल्म की रैप अप पार्टी पर भी गोविंदा नजर नहीं आए थे, लेकिन फिल्म की फीमेल लीड करिश्मा कपूर को यहां जरूर स्पॉट किया गया था। वैसे ये बात अलग है कि वरुण धवन और डेविड धवन के साथ पिछले कुछ समय से अच्छे टर्म्स में नहीं चल रहे गोविंदा अब इनके फिर से दोस्त बन गए हैं। हाल ही में हुए 65th Amazon Filmfare Awards 2020 पर गोविंदा ने जूम के साथ एक्सक्लूसिव इंटरेक्शन में वरुण धवन और डेविड धवन को कूली नंबर वन के रीमेक के लिए शुभकामनाएं भी दी थी। रीमेक का जमाना है तो कूली नंबर वन का रीमेक बन रहा है, व्हाट डू यू हैव टू से? हां नहीं, सभी फिल्मों का ये सब लोग रीमेक कर रहे हैं और काफी जगह मैं जहाँ टूर पे निकलता हूँ तो लोग कहते हैं कि ये एकदम गोविंदा है। अच्छा लगता है। वरुण हमेशा कहते हैं कि वो आपके फैन हैं, तो वो ही आपके रीमेक कर रहे हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? मे गॉड ब्लेस हर वो कलाकार जो टॉप पे निकल रहा है और वो इंस्पिरेशन के लिए सीनियर्स के साथ में कहीं से वो चाह रहा है कि वो उसके उसमें गुण आ जाए, कभी कहीं थोड़ा बहुत निकला जैसा, तो वेरी गुड। हमने भी स्टार्ट में ऐसे किया था पहले जब फिल्मों में आए थे, तो मे गॉड ब्लेस देम, ऑल द बेस्ट फॉर देयर करियर। गोविंदा के इस बयान से साफ है कि चीची भैया और उनके फेवरेट डायरेक्टर डेविड धवन के बीच सब ठीक है। ऐसे में हो सकता है फिल्म में लास्ट मोमेंट पर एक खास एंट्री गोविंदा की जाए, क्योंकि कैमियो के मामले में बॉलीवुड हर डिसीजन लास्ट मोमेंट पर ही लेता है। Watch E Town News Monday to Friday at 9:30 PM only on Zoom.